आज हम टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल और केएल राहुल की नेटवर्थ पर एक नजर डालेंगे और जानेंगे कि मैदान के बाहर अमीरी के मामले में कौन किस पर भारी है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले शुभमन गिल की बात करते हैं, जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में अपने असाधारण प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने एक शानदार शतक के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अपने क्रिकेट के कारनामों से परे गिल की आय का मुख्य सोर्स बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल सैलरी और ब्रांड एंडोर्समेंट। भारतीय युवा क्रिकेटर शुभमन गिल ने छोटी सी उम्र से अच्छा प्रदर्शन शुरू कर दिया था और कम समय में उन्हें यह प्रसिद्धि भी मिली। गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिलिका में हुआ था। उनके पिता लखविंदर सिंह एक किसान हैं, उनकी माँ कीरत गिल एक हाउस वाइफ है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम शहनील गिल है। गिल क्रिकेट में आने से पहले उनके परिवार की आय का मुख्य सोर्स कृषि हुआ करता था। शुभमन गिल की कुल संपत्ति अभी लगभग 34 करोड़ रुपए है। उनका बीसीसीआई के साथ ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने पर प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा गिल गुजरात टाइटंस से हर साल 8 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा भी गिल अलग अलग ब्रांड का प्रचार कर मोटी कमाई करते हैं। गिल प्रत्येक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए 3 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की नेटवर्थ पर, जो क्रिकेट के मैदान पर अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के अलावा अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी जाने जाते हैं। केएल राहुल के पिता का नाम केएन लोकेश और माता का नाम राजेश्वरी है। केएल राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 को बेंगलोर में हुआ था। केएल राहुल ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने साल 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था। राहुल अपने वनडे डेब्यू पर शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। इस उपलब्धि ने उन्हें भारतीय क्रिकेट में एक घरेलू नाम के रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। अपने क्रिकेट उपलब्धियों के अलावा राहुल ने एक बड़ा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी बनाया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक उनकी कुल संपत्ति 101 करोड़ रुपए है, जो उनके क्रिकेट सैलरी, बीसीसीआई और आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस और विज्ञापनों से अर्जित की गई है। केएल राहुल का बीसीसीआई के साथ ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट है, इसके तहत उन्हें भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा मैच फीस के तौर पर भी उन्हें पैसे मिलते हैं। वर्तमान स्थिति में ये देखने के बाद कहने में कोई हर्ज नहीं कि नेटवर्थ के मामले में फिलहाल शुभमन गिल केएल राहुल से बहुत पीछे हैं और एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते केएल राहुल गिल से आगे हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोनों ही खिलाड़ियों ने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में आगे बढ़ने के उनके पास बहुत सारे मौके भी हैं। तो ये दो खिलाड़ियों की नेटवर्थ आपने देखी, आपको कैसी लगी वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।